आज हम कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आरंभ करेंगे। प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, रामरुद्र प्लस 2 उच्च विद्यालय, चास, बोकारो, झारखंड। यह पाठ रामचरितमानस का एक अंश है। रामचरितमानस के बालकांड में मास पारायण 9वें विश्राम के बाद दोहा संख्या 271 से दोहा संख्या 276 तक इस पाठ में संकलित है। यह प्रसंग सीता स्वयंवर का है। इस विषय में तो आप जानते ही होंगे कि सीता के स्वयंवर में यह शर्त थी कि जो शिव का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, जनक पुत्री सीता उसे ही वरण करेंगी। यह रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहां श्री राम ने शिव धनुष को तिनके के समान बड़े ही आसानी से दो टुकड़ों में तोड़ दिया था। राजा जनक और जनक पुत्री जानकी जी की प्रसन्नता का तो कोई अंत ही नहीं था। नगरवासी भी प्रसन्नता से झूम उठे। वहीं दूसरी ओर अचानक धनुष के टूटने की गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में रणभेड़ी सी बज उठी। परशुराम सभा में आए और पूरी सभा युद्ध स्थल में परिणत हो गई। इस घटनाक्रम का अंश हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। भक्तकाल की सगुण धारा के प्रख्यात राम भक्त कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम होलसी था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु होने के कारण उनका बचपन बहुत ही कष्टमय व्यतीत हुआ। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनको माता पिता द्वारा त्याग दिया गया था। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। गुरु कृपा से ही उनका बचपन बीता और उन्हीं से राम भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी ने शेष सनातन जी से वेद वेदांग, इतिहास, दर्शन एवं काव्य आदि की शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ। रत्नावली द्वारा की गई भर्त्सना से आहत होकर तुलसीदास जी विरक्त हो गए। एक दोहा उन्होंने लिखा है, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी सो श्री राम मह होत न तब भय भीति। यह दोहा उनकी इस बात की पुष्टि करता है। तुलसीदास जी ने भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया है। उन्होंने प्रकांड विद्वानों के संग रहकर विद्या अध्ययन किया। उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना कर हिंदी साहित्य को अमर निधि प्रदान की। तुलसीदास महाकवि होने के साथ साथ उच्च संत, महान समाज सुधारक, लोकनायक, भक्त, दार्शनिक एवं प्रकांड विद्वान भी थे। सन 1623 में उनका काशी में निधन हो गया। अब बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की। तुलसीदास द्वारा रचित अब तक 36 रचनाएं मिली हैं। इनमें से केवल 12 रचनाएं प्रमाणित हैं। वे हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरेव रामायण, वैराग्य संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। तुलसीदास जी की साहित्यिक विशेषताएं। तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है। उनकी भक्ति दास भाव की भक्ति है। राम स्वामी हैं और तुलसी सेवक हैं। भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप तुलसीदास जी के साहित्य में सर्वत्र दिखता है। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति का सुंदर समन्वय हुआ है। उन्होंने शैवों और वैष्णवों में, शाक्तों और वैष्णवों में धार्मिक समन्वय स्थापित किया था। लोक कल्याण की भावना तुलसीदास जी के काव्य में सर्वत्र दिखाई देती है। उनके अमर महाकाव्य रामचरितमानस में आदर्श पिता, माता, पुत्र, पत्नी, राजा, प्रजा, स्वामी एवं सेवक का आदर्श रूप देखा जा सकता है। तुलसीदास जी का काव्य परहित सरस धर्म नहीं भाई की भावना से परिपूर्ण है।
उन्होंने अपने काव्य में सभी प्रचलित शैलियों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में शांत रस के साथ साथ वीर, रौद्र, विभत्स, हास्य आदि रसों का भी चित्रण हुआ है। उन्होंने प्राकृतिक चित्रण के अतिरिक्त जीवन उपयोगी उपदेश भी दिया है। इन्होंने ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं को अपनाया है। रामचरितमानस में अवधी तथा विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का सुंदर रूप दृष्टिगोचर होता है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त है। इनके साहित्य में उर्दू, फारसी, अरबी, प्राकृत के शब्द भी दिखाई देते हैं। इन्होंने चौपाई, दोहा, सोठा, सवैया एवं कवित्त छंदों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। प्रस्तुत पाठ में भाषा अवधी है एवं छंद दोहा तथा चौपाई है। अवधी, यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध शब्द अयोध्या से व्युत्पन्न है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में अयोध्या को अवधपुरी कहा है। गठन की दृष्टि से हिंदी क्षेत्र की उपभाषाओं को दो वर्गों, पश्चिमी और पूर्वी वर्ग में विभाजित किया जाता है। अवधी पूर्वी के अंतर्गत है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस एवं मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत सहित कई प्रमुख ग्रंथ इस बोली की देन है। अपने कृतियों की श्रेष्ठता के कारण यह बोली साहित्य में भाषा का स्थान ग्रहण कर चुकी थी। अब इस पाठ का सारांश जानते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का अंश है। यह एक रोचक प्रसंग है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे हैं। सीता स्वयंवर हो चुका है। श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया है। तभी महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं कि ऐसे ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले थे, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। इस पर परशुराम का क्रोध भड़क उठता है। वे लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, हमारी नजरों में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं। इस धनुष को राम ने थोड़ा सा निहारा ही था कि यह अपने आप टूट गया, अतः आप क्रोध ना करें। इस पर परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव की ढींगे हांकने लगे, स्वयं को क्षत्रिय कुल का द्रोही कहने लगे, अपने फरसे की प्रचंडता बताने लगे। बोले, मैंने सहस्रबाहु को मार डाला था, धरती के सारे क्षत्रियों को नष्ट कर डाला था, इसीलिए तू मेरे कठोर फरसे से डर। लक्ष्मण व्यंग करते हुए बोले, वाह महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो तर्जनी देखकर डर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारा जनऊ देखकर रुक गया। हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता, और फिर आप तो बेकार ही फरसा उठाए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों से अधिक भयंकर है। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र से बोले कि यह बालक वध के योग्य है, इसे रोक लो, वरना मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण बोले, मुनिवर, तुम अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से कितनी बार कर चुके हो, परंतु सच्चे शूरवीर शब्दों से बड़ाई करने की बजाय युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। कायर ही बढ़ चढ़कर अपने बारे में बोलने लगते हैं। इतना सुनकर परशुराम फिर बोले, विश्वामित्र, अब तक तो यह बालक वध के योग्य हो गया है। मैं तुम्हारे लिहाज से इसे छोड़ रहा था, नहीं तो कब का इसे फरसे से काट डालता। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे कि देखो, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजय पाते आए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि राम और लक्ष्मण पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्मण ने फिर से चोट की, मुनि, तुमने अपनी माँ का वध करके भी ऋण चुकाया था, अब तुम मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते हो, तो जल्द से किसी हिसाब करने वाले को बुला लो, मैं अपनी थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोध पूर्वक अपना फरसा संभाला। लक्ष्मण फिर बोले, आप घर में ही वीर हैं, आपका कभी सच्चे वीरों से पाला नहीं पड़ा है,
लक्ष्मण के ये अनुचित वचन सुनकर श्री राम ने परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए मीठे वचन कहे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइ हि केउ एक दास तुम्हारा। आये सु काह कहिए किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवकु सो जो करे सविकाई, अरि करिनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जेहि हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। आप इस पाठ के प्रसंग से पहले ही अवगत हैं कि यह सीता स्वयंवर का प्रसंग है। राम शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट जाता है। जैसे ही धनुष टूटता है वैसे ही वहाँ पर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर उपस्थित होते हैं और वह प्रश्न पूछते हैं कि शिव का यह धनुष किसने तोड़ा। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होइ हि केउ एक दास तुम्हारा। आये सु काह कहिए किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। वह कहते हैं कि नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला शंभु धनु यानी कि शिव का धनुष और भंजनी हारा यानी कि तोड़ने वाला। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हे नाथ शिव का धनुष तोड़ने वाला। होइ हि केउ एक दास तुम्हारा, होइ हि यानी कि होगा, केउ यानी कोई। तो वो कहते हैं कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु यानी आज्ञा, काह यानी क्यों, कही यानी कहते हो, किन क्यों नहीं, मोहि मुझे। आयसु काह कहिए किन मोहि, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि, रिसाई यानी क्रोध करके और कोहि यानी कि क्रोधी। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, यानी रामचंद्र परशुराम से कहते हैं, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि गुस्से से बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवकाई यानी कि सेवा और अरि करणी यानी कि शत्रुता का कर्म। अरि का अर्थ होता है शत्रु और करणी यानी कि कर्म। करि यानी करि करके, जेहि यानी जिसने। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो है जो सेवा करे। अरि करणी करि करिय लड़ाई, लेकिन अभी जिसने काम किया है उसने शत्रुता का काम किया है और शत्रुता का काम करके तो केवल लड़ाई ही मोल ली जा सकती है। सुनो हो राम जेहि शिव धनु तोरा, राम सुनो जिस किसी ने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु और मोरा यानी कि मेरा। सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। क्या आप सहस्रबाहु की कहानी जानते हैं क्या है? ये परशुराम और सहस्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा कुछ ऐसी है कि परशुराम ऋषि जमदाग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदाग्नि के आश्रम में आए। जमदाग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो विशेष थी। कहते हैं कि वे सभी कामनाएँ पूरी करती थी। आपने भी कामधेनु गाय का नाम जरूर सुना होगा। कार्तवीर्य सहस्रबाहु ने ऋषि जमदाग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, यानी कि वो अपने साथ लेकर उसको जाने लगे। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्रबाहु का वध कर दिया।
इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली। इसका मुनि क्रोधित होकर कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तमारे जय ही सब राजा। बिलगाओ यानी कि अलग करके, बिहाई यानी छोड़कर, जय ही यानी जाएंगे। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, न तो मारे जय यही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब मुनि की बात को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरही अवमाने, अवमाने यानी कि अपमान करके, और अपमान सहित परशुराम से कहते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असि रिस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगु कुल केतु। बहु यानी बहुत, धनु ही यानी छोटा धनुष, लड़िकाई यानी लड़कपन में, असि यानी इस तरह। बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु न असि रिस कीन्ह गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रिस का अर्थ हम पहले ही जानते हैं कि क्रोध होता है, और भृगुकुल केतु का अर्थ है भृगुकुल की ध्वजा के समान, अर्थात भृगुकुल के महान पुरुष। तो लक्ष्मण कहते हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप बालक का अर्थ है राजा का पुत्र, काल बस यानी कि मृत्यु के वश में, और संभार यानी कि परिचित। हे राजपुत्र, तुम मृत्यु के वश में हो और इसीलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारा संसार परिचित है कि उस धनु ही की तुलना शिव के धनुष के साथ की जा सकती है। अब एक बार इस पूरे पद का अर्थ जानते हैं। रामचंद्र परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि बोलते हैं, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं, शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्काए और परशुराम जी के प्रति अपमान पूर्वक वचन कहने लगे, हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी ऐसी बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, हे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनु ही के समान है। अब इस पद के शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। इस काव्यांश की भाषा प्रवाहमयी और बोधगम्य है। यह अवधी भाषा में लिखित है। पूरे पद में ओज गुण और व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। चौपाई और दोहा छंद का निर्वाह किया गया है। अब यहाँ पर हमने अनुप्रास अलंकार का जिक्र सूरदास के पद में किया है। अनुप्रास अलंकार यहाँ भी आप देखेंगे कि कई पदों में है, जैसे काह कहिए किन, सेवकु सो सेवकाई, करी करिए, सहसबाहु सम सो, बिलगाओ बिहाई, मुनि वचन लखन मुस्काने, सकल संसार, इन सब में अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। और अभी आपको बिल्कुल स्मरण हो गया होगा कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो आप इन उदाहरणों को आराम से इस पद में ढूंढ सकते हैं। इसके बाद सहस बाहु सम सो रिपु और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु,
इस दोनों में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के बारे में भी हम सूरदास के पद के समय चर्चा कर चुके हैं, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर गुणों में तुलना की जाती है। इसके बाद है भृगुकुल केतु, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि भृगुकुल के ध्वजा के समान, बल्कि वो परशुराम को भृगुकुल केतु ही कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर वर्णनात्मक और संवादात्मक शैली का उपयोग हुआ है, आपस में बातचीत हो रही है राम की परशुराम से और परशुराम की लक्ष्मण से। लयात्मकता और गेयता की प्रधानता है, बिल्कुल आप इस पद को गा भी सकते हैं, और आपने आकाशवाणी के द्वारा जो रामायण का प्रसारण होता है आप उसको एक बार सुन लें, रामचरितमानस का प्रसारण, वहाँ पर उसको गाकर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर यह जो संवादात्मक प्रकरण है इसका चित्रण तुलसीदास जी ने बिल्कुल सजीव तरीके से किया है। तो इस तरह आप इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में भी जान चुके हैं। यहाँ कुछ शब्द सामासिक भी हैं, जैसे शंभु धनु, भृगुकुल केतु, नृप बालक और त्रिपुरारी धनु। शंभु धनु यानी कि शंभु का धनु, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। भृगुकुल केतु, यहाँ भी तत्पुरुष समास है। नृप बालक और त्रिपुरारी धनु, इसमें भी तत्पुरुष समास है। जैसा कि आप जानते हैं सीता का स्वयंवर हो रहा था और धनुष के टूटते ही वहां पर परशुराम आ जाते हैं और वो राम से पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। राम उनसे कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, आपकी क्या आज्ञा है, आप क्यों नहीं कहते। इस पर परशुराम कहते हैं कि जिस किसी ने भी यह इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं, बल्कि उसने मेरे साथ शत्रुता का काम किया है और इसीलिए वह मेरा शत्रु है। जिस किसी ने भी शिव का यह धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, उसे इस समाज से तुरंत अलग किया जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी धनु ही तोड़ी हैं, लेकिन आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। यह सुनकर भृगुकुल के केतु क्रोध से कांपने लगे और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजपुत्र, तुम मृत्यु के वश में हो और इसीलिए तुम्हारे बोलने पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। क्या यह धनु ही शंभु के इस धनुष के समान होगा, यह तो सारा संसार ही जानता है। इसका उत्तर देते हुए लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतिहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर जाना का अर्थ है जानकारी होना, क्षति का अर्थ है क्षति, जून का अर्थ है पुराना, तोरे यानी तोड़ने से और भोरे यानी भ्रम से। तो लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हमारी जानकारी में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सारे धनुष एक समान होते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, एक पुराने धनुष के टूटने से भला क्या हानि और क्या लाभ, देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे आंखों के भ्रम से देखा था। यानी लक्ष्मण हंसकर परशुराम से कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी नजर में तो सारे धनुष एक से ही होते हैं,
फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि क्या और लाभ क्या? राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था और मुनि, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं है, इसीलिए आप बिना बात क्यों क्रोध कर रहे हैं? छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। दोसु यानी कि दोष और रोसु यानी कि क्रोध। तो लक्ष्मण कहते हैं कि यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनि, आप अकारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चितई परसु की ओरा, चितई यानी कि देखकर और परसु का अर्थ तो आप जानते ही होंगे फरसा। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, और सठ का अर्थ होता है मूर्ख। तो परशुराम कहते हैं, अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम कहते हैं, बोले चिते परसु की ओरा कि हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में जाना नहीं है। यानी यह लक्ष्मण के इस व्यंग वचन को सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, बधौ यानी कि वध करता हूँ, यानी बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुमने मुझे केवल एक मुनि ही मान लिया है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, ब्रह्मचारी यानी कि जो संयम नियम का पालन करने वाला होता है, और कोही का अर्थ तो आप जानते ही हैं क्रोधी। तो वो कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। परशुराम कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित यानी कि विश्व में विख्यात, क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही यानी कि दुश्मन या संहारक, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का संहार करने वाला हूँ। यानी परशुराम कहते हैं कि लगता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ सुना नहीं है, मैं तो तुम्हें बच्चा मानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुमने मुझे नीरा मुनि ही मान लिया है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ, सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। भुजबल यानी भुजाओं के बल या बाहों के बल पर, भूप यानी राजा, विपुल यानी कई, और महिदेव यानी ब्राह्मण। तो वो कहते हैं कि मैंने इस संसार को अपनी भुजाओं के बल पर राजा विहीन कर दिया, और कई बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, छेदनी हारा यानी कि काटने वाला, तो मैं सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला हूँ। परसु बिलो कु महीप कुमारा, और लक्ष्मण को इंगित करते हुए कहते हैं कि हे महीप कुमार, हे राजपुत्र, मेरे फरसे की ओर देखो। यानी लक्ष्मण को इंगित करते हुए परशुराम कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देखो, इसने सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। जनी का अर्थ है मत, महीस किशोर यानी राजा का पुत्र, गर्भन यानी कि गर्भ में पल रहे, अर्भक यानी बच्चे, दलन यानी कुचलने वाला, मोरा यानी मेरा, अति यानी भयंकर। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसि महीस किशोर। परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजपुत्र, अपने माता पिता को किसी चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा इतना भयंकर है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चे तक की हत्या कर देता है। यानी परशुराम क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, हे राजपुत्र लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत ना बुला, मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चे का विनाश कर देता है। इस अंश में दो व्यक्तियों का चरित्र मुख्य रूप से उभर कर सामने आता है, लक्ष्मण और परशुराम। तो लक्ष्मण में आपने देखा कि अभी तक जितने संवाद हुए हैं उसमें उनमें निर्भीकता है,
व्यंग करने की क्षमता है और वाक्पटुता है। इसी तरह परशुराम में आपने देखा कि बड़बोलापन है, वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, क्रोधी हैं, क्रोध में बोलते हैं, और डींगे हांकना, यानी कि ऐसी बातें जो स्वाभाविक नहीं है उसके बारे में भी वो कहते हैं। इस चौपाई के काव्य सौंदर्य में आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हसी हमरे जून धनु काज करिए सठ सुनेह स्वभाव, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, बाल ब्रह्मचारी भुजबल भूमि भूप और विपुल बाल। तो इतनी जगहों पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कुछ शब्द सामासिक भी हैं, तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जैसे विश्व विदित, विश्व में विदित, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय का कुल, भुजबल, भुजा का बल, सहस्रबाहु भुज, सहस्रबाहु की भुजा, महीप कुमार, महीप का कुमार, महीष किशोर, महीष के किशोर। तो इस तरह यहाँ पर तत्पुरुष समास के भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं।